नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार सहित पूरे देश के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ी पहल की है। भारतीय स्टेट बैंक की सब्सिडियरी SBI पेमेंट ने व्यापारिक भुगतान के लिए SBI योनो मर्चेंट ऐप पेश किया है। SBI की इस पेशकश से व्यापारी मोबाइल के माध्यम से डिजिटल भुगतान करने में सक्षम होंगे। SBI ने अगले 2 वर्षों में रिटेल और इंटरप्राइजेस सेगमेंट में 2 करोड़ संभावित व्यापारियों को लक्ष्य कर कम लागत वाले इसे पेश किया है। बैंक के इस पहल के बाद ग्रामीण इलाकों में स्टेट बैंक के ग्राहकों को पैसों का लेन देन करने में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगी। आपको बता दें कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कम पहुँच वाले क्षेत्रों में पॉइंट ऑफ सेल को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई सुविधा देने की घोषणा की है। दरअसल RBI ने पॉइंट ऑफ सेल को प्रोत्साहित करने वाले पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने की घोषणा की है। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पेशकश इसके अनुरूप ही है। व्यापारी अब NFC युक्त एंड्रॉयड स्मार्टफोन के जरिए ऐप के माध्यम से भुगतान कर पाएंगे। सीधे कहें तो इस पेशकश से मोबाइल फोन POS डिवाइस में अपग्रेड हो सकेगा। मिली जानकारी के मुताबिक SBI पेमेंट्स के MD और CEO गिरी कुमार नायर ने कहा कि उम्मीद है कि इस इनोवेशन से 2 से 3 साल में 5 से 10 मिलियन तक मर्चेंट टच पॉइंट हो सकेंगे। योनो SBI मर्चेंट रिटेल के साथ ही एंटरप्राइजेस मर्चेंट के लिए एक ऐसी पेशकश है जिससे व्यापारिक जुड़ाव का दायरा बढ़ेगा। बताया जा रहा है कि SBI ने भुगतान स्वीकृति प्रणाली को मजबूत करने के लिए वीजा के साथ करार भी किया है। आपको बता दें कि कोरोना काल के बाद डिजिटल लेन देन का दायरा बहुत तेजी से बढ़ा है। यही कारण है कि इसके अनुरूप ही नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं। मकसद यह है कि इससे शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को घर बैठे आसानी से बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिल सके और साथ ही सेवा सुरक्षित और सहज भी हो। बता दें कि SBI का मर्चेंट ऐप इन सभी पैमानों पर खरा उतरता है। उम्मीद है कि इससे कारोबार की राह और ज़्यादा आसान होगी और भुगतान की प्रक्रिया लोकप्रिय हो सकेगी। वहीं डिजिटल सेवा का उपयोग करने वाले व्यापारियों और ग्राहकों के लिए इससे जोड़ने के लिए पहल की जा रही है जिससे वे इसका लाभ ले सकें। आजकल डिजिटल पेमेंट अब लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। छोटा लेन देन हो या फिर बड़ा व्यापार, सभी लोग लगभग डिजिटल पेमेंट ही कर रहे हैं। ऐसे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए योनो नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से लोग हर तरह का पेमेंट कर सकते हैं। इस ऐप की खासियत यह भी है कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेहतर कार्य करता है। ग्राहकों को प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करना होता है, उसके बाद इसको इंस्टॉल करके उन्हें अपना अकाउंट रजिस्टर करना होता है। यह एक प्रक्रिया होती है जिसके बाद ग्राहक अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट करते हैं। इस ऐप पर एक बार सफलतापूर्वक रजिस्टर्ड हो जाने के बाद ग्राहक अपना अकाउंट लॉगिन करके इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए ग्राहकों को अपनी बैंकिंग से जुड़ी सारी जानकारी सावधानीपूर्वक दर्ज करानी होती है। ध्यान रहे कि जानकारी सही होनी चाहिए। इस ऐप का इस्तेमाल कैसे करना है इसकी जानकारी आपको SBI की वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसके अलावा जिस बैंक में आपका खाता है वहां से भी आप योनो ऐप के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपके काम आएगी। अगर इस संबंध में आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी बात कह सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।